हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीपी सेल के बारे में बात करना चाहूँगा। क्वार्टर वन के नंबर आ चुके हैं और नंबर में बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। जी, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कल जब बाजार खुलेंगे सोमवार को, तो बीपीसीएल में यहाँ पे भारी गिरावट की सिचुएशन रह सकती है। जी हाँ, भारी गिरावट की सिचुएशन रह सकती है। तो पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा कि बीपीसीएल के नंबर किस तरह के रहे और आपको कल की रणनीति किस तरह की बनानी चाहिए। वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। चैनल पर नए हो तो इधर से उधर सब्सक्राइब कीजिए। फ्री वाली टेलीग्राम चैनल का भाग नहीं बना हो, जिसमें मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे कॉल्स और यहाँ पे एफएनओ कॉल्स देता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका भाग बनिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। बात करना चाहूँगा बीपीसीएल के बारे में, जिसकी यहाँ पे फ्राइडे को क्लोजिंग की बात करें तो फ्राइडे को क्लोजिंग अच्छी दिखाई दे रही थी। जी हाँ, फ्राइडे को यहाँ पे ये लगभग लगभग 0.76% की तेजी के साथ बंद हुआ था। लगभग लगभग 2.5 रुपये ऊपर, 336 रुपये के आसपास क्लोजिंग। और हाल फिलहाल में बात करें बीपीसीएल की, तो उसकी बात करें तो 1 वीक में 2% के रिटर्न, 1 महीने में भी 2% के रिटर्न, पिछले 6 महीने में 10% डाउन है, 2022 में 13%, और 1 साल के टाइम रिजन पे 25% के नेगेटिव रिटर्न है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बीपीसीएल में मार्केट के साथ कोई रिवर्सल इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दिया है, और इसका कारण डेफिनेटली जो हायर फ्यूल प्राइसेस है उसका मार यहाँ पे ऑयल एंड गैस की कंपनियों को पड़ने वाला था, वो मार्केट को पता था। इसी के चलते प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं दिखाई दिया है। तो नंबर के ऊपर लेकर के जाना चाहूँगा और नंबर आपके सामने है और नंबर के ऊपर ही डिस्कशन करना चाहूँगा। बीपीसीएल रिपोर्ट 6,291 करोड़ नेट लॉस इन क्वार्टर वन। मतलब कि क्या किया, पहले तो 6,291 करोड़ का नेट लॉस क्वार्टर वन में उसने घोषित किया है। पूरी जानकारी बताने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, या बीपीसीएल आपके सामने है तो और ज़्यादा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अप्रैल टू जून के क्वार्टर में, मतलब कि क्वार्टर वन में 6,290 करोड़ का लॉस। यही जो बात करें अगले साल की कंपेरिजन में तो 3,192 करोड़ का लॉस था। डेफिनेटली लॉस यहाँ पे डबल होता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पे बात करना चाहूँगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, इसमें बढ़ोतरी हुई है 1.3 लाख करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है, जो कि बात करें लास्ट ईयर की 89,688 करोड़ का था। डेफिनेटली यहाँ पे बढ़िया सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। द कंपनी अर्न USD 27.51 टर्निंग एवरी बैरल ऑफ द क्रूड, मतलब कि एक बैरल के हिसाब से 27.51 यहाँ पे USD मिले। कंपेयर करें तो लास्ट ईयर, मतलब कि लास्ट ईयर की कंपेरिजन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हायर रेट मिला है उनको, डिस्पाइट उसके यहाँ पे इनको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कंपनी को इतना ज़्यादा फिर भी लॉस क्यों है, वो एक सवाल है। उसका कारण यहाँ पे बताया गया है कि ग्लोबली फ्यूल प्राइस आपको पता होना चाहिए कि बहुत राइज कर रही थी, परंतु उसने डोमेस्टिकली यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई फ्यूल में इंक्रीमेंट नहीं किया। मतलब कि यहाँ पे तो वो सस्ता ही दे रहे थे, बावजूद भी उनको यहाँ पे महंगा मिल रहा था। फिर भी इसी के चलते यहाँ पे EBITDA की बात करें तो नेगेटिव हो चुका है 5,471 करोड़, वर्सेज लास्ट ईयर की बात करें तो पॉजिटिव था 5,308 करोड़ के आसपास। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसने जो फ्यूल प्राइस है उसको होल्ड किया था डिस्पाइट द जो इन्फ्लेशन राइज थी उसके बावजूद भी, जिसके चलते ही लॉस हुआ है ऐसा कंपनी की तरफ से बोला गया है। हालांकि कंपनी की तरफ से ये भी बोला गया है कि ये जो लॉस है वो आगे आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे सिचुएशन स्टेबलाइज होती हुई दिखाई दे रही है। मार्जिन की बात करें तो -4% है, जो कि यहाँ पर बात करें लास्ट ईयर +6% थी। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है उनके हायर मैनेजमेंट फाइनेंस के रामकृष्ण गुप्ता जी की। तो उनकी तरफ से बोला गया है कि जो बीपीसीएल की रेफरेंस दे उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रोबस्ट एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आगे जाकर के इसका असर आपको डेफिनेटली दिखाई दे सकता है। यहाँ पर बात करें मार्केट सेल्स की, तो उसमें बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली है, 9.63% था लास्ट ईयर, जो कि यहाँ पे मार्केट सेल्स की बात करें अभी 11.76 मिलियन टन यहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और ये अपने आप में पॉजिटिव खबर है। परंतु क्योंकि फ्यूल प्राइस यहाँ पे इन्फ्लेशन के चलते बहुत ज़्यादा पीक में जा चुकी थी और बीपीसीएल ने इतना ज़्यादा रेट डोमेस्टिकली बढ़ाया नहीं था, जिसके चलते इतना ज़्यादा लॉस इसको बियर करना पड़ रहा है, ऐसी बातें ओवरऑल मैनेजमेंट की तरफ से बोली जा रही है। तो चार्ट पे ले जाने से पहले एक बार कारोबार देख लेते हैं कि बीपीसीएल में रिजल्ट के पहले फ्राइडे को किस तरह का कारोबार दिखाई दिया। NSE की वेबसाइट पर 336 पे क्लोजिंग, प्रीवियस क्लोजिंग 333.95 रुपये, ओपन 335, हाई 337 और लो 332 के आसपास। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें
336। क्वांटिटी देखें तो इसमें वॉल्यूम लो नज़र आ रहा है, 25,57,000 शेयर की ट्रेडिंग, 12,92,000 शेयर की डिली हुई है और 50% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज इसमें उठती हुई फ्राइडे को दिखाई दी थी, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिसेंट है। तो चार्ट भी लेके जाना चाहूँगा और नेक्स्ट लेवल टारगेट आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों BPCL के चार्ट आपके सामने हैं, डेली टाइम फ्रेम पे लेकर के आया हूँ और यहाँ पे देखिए लगातार लो लो की सिचुएशन, और देखते देखते BPCL ने 219 का लो बनाया, उसके बाद यहाँ पे तेज़ी आती है और कहीं ना कहीं 330 का जो हर्डल था वहाँ पे हर्डल फेस करता है, फिर से गिरावट आती है और कहीं ना कहीं 305 के आसपास संभलने की कोशिश करता है, और उसके बाद लगातार आए रहे की सिचुएशन बनी हुई है। और अभी बात करें तो 330 का जो रजिस्टेंस है उसने तोड़ दिया और वहाँ पर काफ़ी बार सपोर्ट लेता हुआ पिछले 4 दिन से दिखाई दिया था। अभी जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 345 का है, जी हाँ, 345 के ऊपर जब तक नहीं निकलता BPCL में थोड़ी बहुत रुकआउट की सिचुएशन बन सकती है, और मुझे लगता है कल अगर 330 के नीचे फिसलता है तो 314 तक फिर से आपको वापस आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो डेफिनेटली कल अगर 330 का लेवल संभल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्राइस में अभी भी स्ट्रेंथ है। सभी नज़दीकी जो मूविंग एवरेज है, जैसे कि 20 डे की एक्सपोनेंशियल, 50 डे की एक्सपोनेंशियल और 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज अभी भी उनके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ये सब 314 के ऊपर आ रही है, तो उससे पहले बढ़िया सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। परंतु गैप डाउन ओपनिंग हुई तो फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। फ्लैट ओपनिंग होती है तो 330 रुपये का लेवल कल वॉच आउट करने वाला होगा, ये संभल जाता है तो फिर से 345 तक की जर्नी आपको दिखाई दे सकती है, इस बात को आपको याद रखना है। मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग करके बैठे हो और आप यहाँ पे समय देना चाहते हो तो 314 के साथ बने रहे। 345 के ऊपर जैसे ही निकलेगा 400 की फास्ट मूव आनी तय है, क्योंकि वहाँ पे फिर इसके पहले कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं, तो बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो सकता है अगर ये 345 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है। तो मैं चाहूँगा कि BPCL को आप स्टडी करिए और इसके बाद ही यहाँ पे कोई फाइनल डिसीजन लेने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे RSI का लेवल भी 64 के आसपास है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले कोरोडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।